नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप पाएंगे कि आपको 200 से लेकर 500 वोल्ट की जो डाटा बताई गई थी, आज उसके रिले कनेक्शन और साथ में उसके किट कनेक्शन आप देखेंगे। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कनेक्शन है। आप उसे फॉरवर्ड करके मत देखें इसलिए कि क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के प्रैक्टिकल वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेगी। और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपकी जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिले। और चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये कहेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर कहिएगा ताकि हम आपके लिए उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज आप मैं आपको जो ट्रांसफार्मर के डाटा बताई थी, आज मैं उसका रिले कनेक्शन किट कनेक्शन बताऊंगा। बहुत सारे हमारे मित्रों ने कंप्लेन किया था कि कौन सी किट है, तो आज मैं आपको वो किट बता रहा हूँ कि आप सामने किट देख सकते हैं। इसमें चाहे तो आप जनरल किट भी लगा सकते हैं, जनरल माइक्रो प्रोसेसर ऐसी वाले यानी कि डिजिटल किट लगा सकते हैं, वो भी वर्क कर जाएगा। लेकिन इस किट में क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जैक लगी हुई है ये है डिजिटल मीटर की जैक, यहाँ से सीधे आपकी जो डिजिटल मीटर में लग जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपली एक यहाँ पर प्रीसेट है, ये प्रीसेट देख सकते हैं। ये प्रीसेट है आपको इनपुट वोल्टेज की जो वोल्ट है वो आप अपने इच्छा अनुसार इसे सेट कर सकते हैं, यानी कि आपकी वोल्ट अगर कुछ कम या ज़्यादा बता रही है तो यहाँ से आप इनपुट वोल्टेज को आप जो है सेट कर सकते हैं, और कोई बात नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक और प्रीसेट है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीसेट है वो प्रीसेट है आपकी जो वोल्टेज की जो कट ऑफ सेटिंग जो करनी है, यानी कि आपकी जो वोल्टेज की आउटपुट जो वोल्ट की सेटिंग करनी है उसके लिए है। यहाँ से आप अपने सारे स्टेप को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये दो ही आपको यहाँ पर दो पीस मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन इसमें दोस्तों इसमें एक चीज़ नहीं है, वो है एलईडी इंडिकेटर के लिए जगह नहीं है, क्योंकि आपके डिजिटल मीटर लगी हुई है तो एलईडी की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और इसमें आपको लो, हाई और टाइम डिले यानी डिले तीनों वर्क लिखते हैं, तीनों डिस्प्ले करते हैं, इसलिए आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं इसकी हम जैक की ओर, किस जैक में कौन कौन से कनेक्शन है और क्या क्या कनेक्शन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो पिन की जैक है, तो इस पिन पर आपको काली जो दिखा रहे हैं हम, इस पर आपकी जो है न्यूट्रल हो जाएगी, और जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर आपकी ये जो है ये फेस हो जाएगी। सिंपली न्यूट्रल और फेस जो आती है इनपुट की, वो आपकी इनपुट की न्यूट्रल फेस की कनेक्शन जुट जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी जो है इनपुट वोल्टेज के अनुसार ये आपकी सेंसिंग करेगी, और सेंसिंग के अनुसार इसकी कट ऑफ सेट होगी। तो यहाँ पर आपको दोस्तों आउटपुट नहीं देनी है, इनपुट देनी है। तो चलिए यहाँ पर तो आपकी सेंसिंग के लिए हो गई। अब उसके बाद हम चलते हैं मेन जो है वहाँ के लिए कि आपकी अब रिले कनेक्शन करनी है, कैसे कनेक्शन करनी है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो सबसे किनारे जो ये है, ये दो आपकी जो है यहाँ पर ये जो 24 वोल्ट है, ये इस 24 वोल्ट की सप्लाई सीधे यहाँ पर आपकी हो जाएगी। और इससे आपको करना क्या है कि सिंपली इसमें दो वायर ले जाकर इसमें आपको कनेक्टेड कर देना है, आपकी ये किट की सप्लाई हो गई, यानी कि ट्रिगर वोल्टेज के लिए हो गई। उसके बाद आपको जो क्या करना क्या है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई रिले की जो और सप्लाई है ये होगी आपकी जो है ये पॉजिटिव सप्लाई होगी, यानी कि यहाँ पर आपकी जो है पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर आपकी हो गई। और ठीक इसी तरह आपको कॉमन बना देनी है पॉजिटिव सप्लाई की, क्योंकि जो इस किट में लगती है सारी जो कॉमन होती है ये आपकी पॉजिटिव सप्लाई ही होती है, दूसरी सप्लाई आपकी ये नहीं होती है। और ठीक इसी तरह आपकी जो है ये तीसरी भी हो जाएगी, ये आपकी ये सारी पॉजिटिव सप्लाई आपकी ये कॉमन हो गई। अब चलते हैं हम अगले डाटा की, अगले डाटा में जो है अब रिले कनेक्शन की ओर चलते हैं। तो ये होगी टाइमर। तो अब टाइप की आपकी टाइमर है कहाँ, तो आपको मैं कलर बाय कलर बताऊंगा। ये हो गई आपकी टाइमर, और ये टाइमर आपकी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपकी टाइमर है।
उसके बाद आपकी टाइमर के बाद जो है आपकी दूसरी जो है आप ये देख सकते हैं, ये है आउटपुट। तो ये आउटपुट कहाँ है आपकी, तो ये आउटपुट है आपकी यहाँ पर है आउटपुट। उसके बाद तीसरी जो है आपकी, ये देख सकते हैं कि अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये इनपुट सेकेंड और ये इनपुट फर्स्ट, यानी कि इनपुट फर्स्ट ये हो गई आपकी, तो इनपुट फर्स्ट हो ये हो गई। और यहाँ पर आपको क्या करना क्या है कि इनपुट फर्स्ट यहाँ पर हम दे देना है, और उसके बाद है इनपुट सेकेंड, यानी कि ये इनपुट आपकी हो गई, ये सेकेंड हो गई, यानी कि ये इनपुट सेकेंड हो गई। ये अलग टाइप की है, साक्षी की तरह नहीं है, साक्षी में उल्टे होते हैं लेकिन इसमें कुछ उल्टा है। तो चलिए अब इसमें और क्या करना है, कनेक्शन ये तो हो गई, अब चलते हैं हम मेन रिले की ओर। तो 200 से 500 वोल्ट में आपकी कनेक्शन कुछ इस प्रकार हो जाएगी कि जो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये लूप जो है वो सिंपली ये लूप हो गई। और उसके बाद जो अगली लूप है वो अगली लूप कुछ इस प्रकार हो जाएगी, यहाँ से इस तरफ। अब उसके बाद हमारी जो है इनपुट पिन, तो ये हमारी हो जाएगी इनपुट, मान चलिए कि इसको इनपुट मानते हैं। तो इसकी एनसी जो है, एनसी पर हो जाएगी आपकी जो है ये इनपुट वाली, यानी कि ये पिन हो जाएगी, यानी कि यहाँ से आपको जो है सीधे आपकी इनपुट पे जाएगी, यानी कि 200 वोल्ट जब आएगी तो आपको सिंपली करना क्या है कि 200 वोल्ट जो है, तो सॉरी 200 वोल्ट यहाँ मिलेगी आपको, तो वैसे ही आपको आउटपुट पे दे देगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी फिर यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद जब फिर वोल्टेज बढ़ेगी आपकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसे जम्पर मार देते हैं, ये जम्पर है आपकी। और अगर जम्पर आपको क्लियर नहीं दिख रही तो एक बार फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जम्पर है। और उसके बाद ये रिले ऑन हो जाएगी, ऑन होने के बाद यहाँ पर आप ये जो है, ये जो 250 के बाद जो 250 के बाद जो सप्लाई आएगी वो सीधे अब आपको यहाँ से इस पे चली आएगी। और उसके बाद आपको ये, सॉरी इसको कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और ये देख सकते हैं कि यहाँ से अब इस रिले पर चली आएगी। तो ये कनेक्शन कुछ इस प्रकार होंगे 200 से 500 वोल्ट में, यानी कि आप देख सकते हैं कि सिंपली आपको कनेक्शन इस तरह है। जो लास्ट वाली लूप है वो आपको यहाँ पर रहेगी, और उसके बाद वाली लूप एनसी पर रहेगी, और ये थर्ड वाली लूप है वो एनसी पर रहेगी आउटपुट की, और फोर्थ वाली जो इन न्यूट्रल के बाद वाली है लूप वो यहाँ पर रहेगी। ये आपको सिंपली 200 से 500 वोल्ट में ये वर्क करेगी। और अगर आपको 140 से 440 बनाना, तो इसकी कनेक्शन कुछ चेंज हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी ये सिंपली ये कनेक्शन। तो रिले कनेक्शन मैंने बता दिया है, अब मैं सीधे आपको जो है कनेक्शन इत्यादि बता दिया। और ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी आउटपुट, और ये आपकी जो है ये हो जाएगी आपकी इनपुट, यानी कि ये जो है आपके जो सिंपली ये इन है और ये इनपुट हो जाएगी, और यहाँ पर जो है आपकी ये आउट है आपकी, तो ये आपकी आउटपुट हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर जो है सिंपली आपको आउटपुट दे देना है, और यहाँ से आप मीटर इत्यादि की भी सप्लाई दे दीजिएगा, आउटपुट HT3 में दे दीजिएगा। तो सिंपली ये कनेक्शन आपकी है 200 से 500 वोल्ट की। तो उम्मीद है कि आपको अब कनेक्शन समझ में आ गया होगा। ट्यूनिंग करनी है तो इससे आप सेटअप से कर सकते हैं, और ये आपकी इनपुट वोल्टेज की है, और यहाँ पर आपको है न्यूट्रल, और यहाँ पर आपकी फेस, और ये आपकी है जो मेन LT जो ड्राइवर से सप्लाई निकलती है वो है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हमको नेक्स्ट वीडियो में। और एक और इसमें एक तरह की और कनेक्शन हो सकती है, जो मैं कनेक्शन यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ।
सिंपली ये एक तरह की कनेक्शन होगी, और दूसरी कनेक्शन कुछ इस प्रकार है। तो पहले मैं इसे हटा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको कनेक्शन जो है आपको बता दे रहा हूँ। सिंपली एक और कनेक्शन हो सकती है। तो कनेक्शन कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जनरली ठीक है, और ये आपको तो वैसे ही रहेगी जैसे यहाँ पर है, वो वैसे ही यहाँ पर रहेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सेम टू सेम रहेगी। और उसके बाद जो अगली कनेक्शन है वो भी यहाँ से इस तरह की, ये भी सेम टू सेम रहेगी। यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, अंतर यहाँ पर होगी आपकी, जैसे कि यह मान के चलिए कि ये है आपकी इनपुट, और इसे मैं इनपुट लिख दे, और यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी आउटपुट। तो सिंपली ये होगी आउटपुट इसकी, और इसे मैं आपको जो जम्पर है जोड़ देना है। अब चेंजिंग होगी जो यहाँ पर, कुछ चेंजिंग इस प्रकार होगी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये 500 वोल्ट वाली टिपिंग है उसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ 500 वोल्ट वाली की टिपिंग को, और जो जम्पर है इसको मैं, आप जो जम्पर है इसको मैं यहाँ से जम्प शॉर्ट कर देता हूँ, और 500 वोल्ट वाली जब यहाँ पर होगी हमारी तो ये आपकी जो है 200 वोल्ट वाली जो टिपिंग है वो सिंपली यहाँ पर हो जाएगी, और यहाँ पर जो है अगली वोल्ट वाली लूप जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। इस तरह ये कनेक्शन भी आप कर सकते हैं। ये कनेक्शन कुछ एक और तरह की कनेक्शन है जो मैं आपको बता देता रहा हूँ कि वो भी कनेक्शन आप कर सकते हैं। तो दो तीन तरह की कनेक्शन जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको समझ में आए वो कनेक्शन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जम्पर जस का तस होगा, और यहाँ से जो सप्लाई है वो हो जाएगी इस प्रकार सप्लाई होगी। तो ये ऊपर की जो सप्लाई है नीचे आ जाएगी, और उसके बाद वाली जो सप्लाई है वो इसकी एनसिप हो जाएगी, और ये आपकी इनपुट है ही, और यहाँ से जो सप्लाई है जो मीन्स इनपुट की यहाँ पर हो जाएगी, और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट आपकी शॉर्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको तीन तरह के कनेक्शन बता दिए। इस कनेक्शन में आपको है क्या कि जनरली ये आपको रिले जो होगा, पहले ये रिले आपको ख़राब होगा, और अदर रिले में दो रिले खराब होने की संभावना होती है, क्योंकि जितने भी झटके मिलेंगे इस पर मिलेंगे, और उसके बाद ही आपको झटके मिलने वाले हैं, और दूसरे किट में जो दूसरी डिजाइनिंग है उसमें आपको दो रिले इनपुट के साथ वाले रिले, दोनों रिले अक्सर खराब हो जाती है। तो मैंने आपको तीन तरह की कनेक्शन बता दिए इसी किट पर। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।